नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच। भारत में हर साल 2000 से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्यौहारों के पीछे सिर्फ परंपरा ही नहीं होती, बल्कि हर एक त्यौहार के पीछे छुपा होता है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर्व मनाने के पीछे क्या कारण है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हिंदुओं के विशेष पर्व यानी मकर संक्रांति के बारे में। हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का त्यौहार पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष सारे हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती हैं। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे इस दिन का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन लोग इसी पावन नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उनकी पूजा की जाती है और उनसे अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना भी की जाती है। इसके बाद गुड़, तिल, कंबल, फल आदि का दान भी किया जाता है। इस दिन कई जगहों पर पतंग भी उड़ाई जाती है। वैसे तो ये त्यौहार हर प्रदेश में अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस अवसर में प्रयागराज में एक महीने का माघ मेला शुरू होता है। इस पर्व के लिए त्रिवेणी के अलावा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर और बिहार में पटना जैसे कई जगहों पर पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्योहार के नाम से मनाते हैं, जो कि किसानों के फसल काटने वाले दिन की शुरुआत पर मनाया जाता है। भले ही विश्व में मकर संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है, लेकिन इसके पीछे छुपी भावना एक है, वो है शांति और अमन की। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।